हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर बंद हुआ है 69,032 पे, लगभग 450 रुपये नीचे, 0.06% डाउन। तो चलो एनालिसिस शुरू करते हैं। फर्स्ट वी सी मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो है तो लगभग 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 1,550 रुपये गेन के साथ फॉर द मंथ। लास्ट मंथ हमने 2.5% के गेन देखे थे, उससे पहले लगभग 8% के। तो ये जो बाइंग स्प्री है वो कंटिन्यू हो रही है, या बाइंग का सपोर्ट मिल रहा है। और जिस तरह से हमने करेक्शन के बाद फिर से जो है तो कंटिन्यूशन किया है, मुझे लगता है कि सिल्वर जो है तो हमें शायद 2022 में एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लेवल दिखाएगा, जो रहेगी लगभग अराउंड 81,000 के। यहाँ जो है तो हमने R1 का टारगेट अचीव किया है, अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 75,000 के करीब, उसके बाद में 81,000 का। नीचे जो सपोर्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो 65 का है। अगर 65 के नीचे जाता है तो हम करेक्शन में जाएंगे, जो करेक्शन सिल्वर को लेकर जा सकता है 55-56 के करीब, अगर 65 के नीचे जाता है तो। अगर उसके जब तक उसके ऊपर है तब तक आप लॉन्ग व्यू रख सकते हो। टारगेट रहेंगे इन्वेस्टर के लिए 75 और 81 के। और इन्वेस्टर मतलब जो फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, प्योर सिल्वर जो है 100% से प्योर सिल्वर, या फिर सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फ्यूचर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होते हैं और हेजिंग के लिए होते हैं। तो ये रहा मंथली चार्ट का भी। अभी देखते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने करेक्शन दिया और करेक्शन के बाद फिर से जो है तो रिवर्सल दे रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग बुलिश साइन है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 हफ्तों में हमें फ्रेश हाई जो है तो सिल्वर में दिखाई दे सकता है, जो जिसका टारगेट रहेगा 75, और उसके बाद में इस साल के अंत तक हम 81 का भी टारगेट जो है तो सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे। यहाँ हमारा जो व्यू रहेगा मीडियम टर्म में वो बाय ऑन डिप्स रहेगा, जब तक सिल्वर एज ऑन वीकली चार्ट जो है तो 64,500 के ऊपर रहता है, 64,500 के ऊपर रहता है, तब तक आपको लॉन्ग व्यू रखना चाहिए। आपके टारगेट रहेंगे पहला 71,000, उसके बाद में 75,000, और लास्ट में जो है तो 81,000 के टारगेट आपको सिल्वर में दिखाई दे सकते हैं। अगर 64,500 के अराउंड आता है तो हम बाइंग करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ जो है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकता है, मगर मुझे लगता है कि नीचे आने की संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है कि सिल्वर जो है तो यहाँ से एक अच्छी खासी मीडियम टू लॉन्गर टर्म रैली दिखाने के लिए तैयार है, और एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न है इंडिकेटर वाइज, प्राइस वाइज। तो यहाँ हमारा वीकली चार्ट पे भी बुलिश व्यू रहेगा। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि जो टारगेट थे हमारे रिकवरी टारगेट वो अचीव हो चुके हैं, लगभग 69,200 का टारगेट तो वो अचीव हो चुका है। यहाँ जो है तो नीचे की तरफ अभी 68,000 और 66,800 के सपोर्ट जोन है। अगर उन लेवल पे आता है सिल्वर तो हम खरीदने की ही कोशिश करेंगे। यहाँ थोड़ा सा डिप्स दिखाई दे सकता है, वो डिप्स जो है तो जिन्होंने पिछली रैली मिस की थी उनके लिए फिर से जो है तो बाइंग की मौके हो सकते हैं। तो हम जो है तो सिल्वर को बाय कर सकते हैं। अगर आपको एग्रेसिवली जाना है तो 68,000 के अराउंड बाय करना है। अगर आपको डीपर बाय करना है तो आपको 67,000 या फिर 66,800 के लेवल का वेट करना है, और यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा आपका 66,500 के नीचे। और आपका जो टारगेट बनता है अभी, मुझे लगता है फिर से 69,200 और उसके बाद में 71,000 के टारगेट जो है तो सिल्वर में बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ सिल्वर पे हमारी लॉन्ग की राय रहेगी, मगर हम डिप्स पे बाय करेंगे। कारण अगर मुझे पूछोगे, अगर मुझे पोजीशन लेनी है तो मैं सपोर्ट के अराउंड ही लूँगा, जो सपोर्ट है 66,800 के अराउंड है। तो उसके जितना नज़दीक पोजीशन लेते आएंगे उतना नज़दीक लेंगे हम विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वहाँ रिस्क बहुत छोटी हो जाएगी और रिवॉर्ड जो है तो 1:2 लगभग 5-8 टाइम तक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है तो 500 रुपये की रिस्क है और आपका जो टारगेट है वो लगभग 600-700 रुपये, 6,000 से 7,000 रुपये ऊपर है। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो मुझे लगता है हम जो है तो वेट करेंगे डिप्स का, और डिप्स पे बाय करेंगे। करंट लेवल पे जिन्हें बाय करना है या फिर जिन्होंने बाय किया है उन्हें सलाह रहेगी कि आप 68,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और हो सकता है कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि यहाँ जो है तो थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ सिल्वर जो है तो जो लॉन्ग है उनके पेशेंस टेस्ट करेगा,
तो इससे अच्छा है कि सपोर्ट पे आने दीजिए और सपोर्ट पे बाय करेंगे हम 66,800 के अराउंड बाय करेंगे, टारगेट रहेगा 71,000 का, तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है और 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे उस ट्रेड के लिए। और यहाँ हमारा जो इस हफ्ते का टारगेट अचीव हुआ उसमें हमने अच्छे खासा मुनाफे भी कमाए इंट्राडे में पोजिशनल ट्रेड करके सिल्वर में, एक अच्छा खासा आपको एक अच्छी खासी रिकवरी रैली मिली थी, शॉर्ट कवरिंग रैली मिली थी। अभी यहाँ जो है तो थोड़ा सा फिर से रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो उसका वेट कीजिए, फिर से लॉन्ग जाइए विद स्टॉप लॉस और टारगेट 71,000 का रखना है और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ जो है तो कभी भी न्यूज़ की वजह से कंडीशन पलट सकती है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा। और यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो मेरे हिसाब से सपोर्ट पे आने दीजिए, अपने लेवल पे आने दीजिए और उसके बाद में ही एंटर कीजिए। आप अगर फोमो में जल्दी एंटर कर लोगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा और रिवॉर्ड कम हो जाएगा, तो उस ऐसे जो है तो गलती मत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ लेवल पे आने के बाद ही जो है तो लॉन्ग एंटर कीजिए। तो आई होप सो कि एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो मेरे प्रीमियम कॉल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जो है तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये 5 कम्युनिटी में कॉल मिलेंगे विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो अप। तो अगर आपको वो लाइव मार्केट में ट्रेड करना है विद सपोर्ट, तो आप जो है तो प्रीमियम सर्विस ले सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.